नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो E20 स्पोर्ट्स और मैं आपका होस्ट। दोस्तों, पिछले साल हुई ICC वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए रश्चिन रविंद्र नाम के खिलाड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। रश्चिन भारतीय मूल के थे, लेकिन वो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। रश्चिन ने पूरे टूर्नामेंट में केवी टीम के लिए 565 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक की जबरदस्त पारी भी खेली थी। ऐसे ही भारत मूल के केवी खिलाड़ी स्नेहित रेड्डी ने अपना नाम फिर से रोशन किया है। उन्होंने अंडर-19 ICC वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में शतक जमा कर सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी खिलाड़ी के बारे में जानेंगे। नेपाल के खिलाफ इस मुकाबले में स्नेहित ने 125 गेंद पर 147 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में स्नेहित ने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने 49 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 302 रन का स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि कौन है ये स्नेहित रेड्डी। स्नेहित रेड्डी का जन्म 2007 में भारत के विजयवाड़ा में हुआ था। इस साल जब वो 6 महीने के थे तो उसके परिवार न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शिफ्ट हो गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लिए अंडर-19 क्रिकेट में खेलने से पहले वो अंडर-17 में अपने खेल से सबको प्रभावित कर चुके थे। स्नेहित के बल्लेबाजी के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। आयरलैंड में 7 साल रहने के बाद 2014 में स्नेहित का परिवार हैमिल्टन चला गया। हैमिल्टन के विक्टोरिया में स्नेहित का परिवार एक कैफे चलाने लगा। स्नेहित बचपन से ही क्रिकेट के साथ जुड़े हैं क्योंकि उसके पिता हैमिल्टन में क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला करते थे। देख कर स्नेहित ने भी खेलना शुरू कर दिया। यही कारण था कि बहुत छोटी सी उम्र में स्नेहित ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। स्नेहित को महज 15 साल की उम्र में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ए की तरफ से खेलने का मौका मिला। इसके बाद से ही उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा। लगातार अपने खेल में सबको प्रभावित करते हुए न्यूजीलैंड के लिए अंडर-17 में अपनी जगह पक्का कर ली। दोस्तों, अंडर-17 में स्नेहित रेड्डी पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर विजय कोटलिंग की नजर पड़ी। उन्होंने स्नेहित को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। स्नेहित रेड्डी न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, ये खिलाड़ी आगे जाकर अपने देश का नाम रोशन करेगा क्या? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।